बात कह रहे करें, हैं। इंकलाब ये क्या लेकर गए, कितनी बार इन्होंने घूमते किए, और इन्होंने भी और उन्होंने भी, पीएमएलएन वालों, क्या इंकलाब लेकर गए मुल्क दिवाली। और मैं बताऊं, ये हिस्ट्री हिस्ट्री कर रहे हैं ना, हिस्ट्री नहीं जानते हम। 1947 से लेकर 2008 का पाकिस्तान एक तरफ रखें और इनके 4 साल की परफॉर्मेंस एक तरफ रखें। कर्जों की बात हम पहले कर चुके हैं, डबल हो गए हैं, हर पैदा होने वाला बच्चा 70,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। ये इनके 4 सालों में हुआ है, 1947 से नहीं हुआ। ये नेगेटिव बातें यहां बैठ के ना करें, पाकिस्तान को बेहतर किया जा सकता है, पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की हालत बेहतर कर सकते हैं। मैं कहता हूं इनको भी, नईम साहब भी कह रहे थे कि यू कैन स्टिल इंप्रूव, आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप ऐसे ऐसा निजाम ला सकते हैं, लेकिन विल नहीं। आपने जो शुरू में बात की थी, देयर इज नो पॉलिटिकल विल व्हाटसोएवर, मिसमैनेजमेंट से, सिर्फ ऊपर के लीडर को हटाने से सब हो सही हो जाएगा। एब्सोल्युटली, अगर आपकी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ठीक है, नीचे मैनेजर्स आपने जबरदस्त रखे हुए हैं, तो मुल्क आपका तरक्की कर सकता है। सर नीचे मैनेजर को जबरदस्त नहीं कह रहे हैं, मुशर्रफ साहब का टोला है पूरा नीचे मैनेजर में, वो कहां से करेगा? ऐसे पास आदमी को ओजीडीसीएल का चेयरमैन, और ये सारी चीजें आपके सामने है। अब तीसरा वजीर बिजली आ गया जी, तीसरा वजीर बिजली आया, लेकिन बिजली नहीं आई, अभी भी आपका प्रोग्राम जनरेटर पे चल रहा है। लोड शेडिंग का इतना शदीद मसला, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, लोगों के घरों में बिजली नहीं होगी, टीवी क्या देख रहे होंगे, लेकिन जो इन्होंने सत्यानाश किया मुल्क का पिछले 4 सालों में, और आप बात कर रहे थे शुरू में जो आपने प्रोग्राम शुरू किया कि अमरीकी अमदाद बंद कर देंगे सारी की सारी, आज बिल पेश हुआ जी, बिल्कुल देखे ना, सेनेटर रैंड पॉल ने दिए थे, जब ये आए तो इन्होंने कहा फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, वो कहेंगे उस पर तो अब बात ही नहीं होती। जाकराइन साहब ने कोई स्टैटिस्टिक कोट नहीं किए और इमोशनल गुफ्तगु काफी की, और मैं इनकी कदर करता हूं कि इनमें इतने इमोशंस हैं। इन्होंने बात की कि जी रियलिस्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है तो रियलिस्टिक भी है, हर चीज पे तरीके इंसाफ अपना विजन प्लान लेकर आ रही है, वाइट पार्टी है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनर्जी क्राइसिस हो, हर चीज पे पूरा पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा है, डिटेल्ड। अभी टाइम नहीं है, मैं आपको बताता कैसे तरीके इंसाफ इन मसाइल को हल करेगी। पॉलिटिकल विल की कमी है, आप रेंटर पावर जैसे प्रोजेक्ट लाते हैं, जिस वजीर को अदालत हटाती है आप उसको दूसरी चीज का वजीर बनाते हैं। रेंटल कंप्यूटर प्रोजेक्ट का मुझे इंतजार है कि कब आएगा राजा परवेज अशरफ साहब की तरफ से।